आज के टाइम पे नए नए कंपनियां नया नया फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं और सभी फ़ोन को फ्लैश सेल में बिकवा देती है। जैसे कि देखिए फ्लिपकार्ट में, अमेजोन पे, शाओमी की फ़ोन वगैरह, रियलमी 2 वगैरह फ़ोन को आप देख सकते हैं फ्लैश सेल में बिकता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम चार पांच दोस्तों को ढूंढ लेते हैं और सब लोग हम एक ही जगह पर बैठ के इंतज़ार करते हैं कब फ्लैश सेल का टाइम आएगा और कब हम क्लिक करेंगे। तो जब टाइम आते हैं और हम क्लिक करते हैं तो अब हमें क्या मिलता है, घंटा मिलता है। घंटा कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ घंटा मिलता है हमको। तो इस तरीके से आप फ़ोन से फ्लैश सेल करेंगे तो आपका चांस बहुत ही कम है, आपका लक अच्छा हो तो आपको मिल जाएगा। फ़ोन की स्पीड वगैरह कोई फ़ायदा नहीं रखता है। तो अगर आपका लक बहुत ही अच्छा है तो एंड्रॉयड फ़ोन से ही आपका फ्लैश सेल का क्लिक हो जाएगा, लेकिन आपका लक बुरा है तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। एक बार ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त ने वाई ऑन खरीदने का डिसीजन लिया और वाई ऑन कुछ दिन पहले लॉन्च किया था और फ्लैश सेल में था। तो हम लोगों ने एक ही घर पे आकर, मेरा लैंडलाइन था इसलिए वो मेरे घर आ गए, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ दो ही फ़ोन का इस्तेमाल किया था। मेरा शाओमी की नोट 4 था और उसके पास था सैमसंग की 512 MB रैम का पुराना वाला फ़ोन। बहुत ही स्लो हैंग करता है, कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। तो उसका लॉक इतना ही अच्छा था कि जो सैमसंग का 512 MB रैम था, स्लो वाला मोबाइल था, उस मोबाइल फ़ोन से क्लिक हो गया। तो देखिए कितना अच्छा लॉक था उसका, जो मेरा शाओमी का फास्ट वाला मोबाइल फ़ोन था उससे नहीं हुआ। मतलब देखिए लॉक कितना डिपेंड करता है ये पर। तो ये पर आपका फ़ोन कितना भी अच्छा हो, फ़ोन से आप ज़्यादातर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पीसी का ज़रूरत है और पीसी के साथ साथ आपको लैंडलाइन भी ज़रूरत है। अगर आप जियो वगैरह से करोगे तो बहुत ही स्लो आएगा क्योंकि उस टाइम पे सर्वर बहुत ही डाउन रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाकर फ्लिपशॉप नाम का एक एक्सटेंशन मिलता है, उसे आपको ऐड करना है आपका क्रोम पे। तो फर्स्ट आप गूगल पे सर्च कीजिए फ्लिपशॉप, तो उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आ जाएगा वहाँ पर आप क्लिक करके इसे आपका एडेड टू क्रोम यहाँ पर लिखा है, इसे एडेड टू क्रोम पे क्लिक करके क्रोम पे ऐड कर लीजिए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसका प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाकर अगर हम फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करें तो आपको साइन अप करना है। आप फेसबुक से, गूगल से साइन अप कर सकते हैं या ईमेल वगैरह, नाम वगैरह, मोबाइल फ़ोन नंबर, पासवर्ड डाल के साइन अप कर सकते हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पर साइन अप करना है तो आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा फ्लिपशॉप का। तो अगर आप फ्लिपकार्ट से फ्लैश सेल में खरीदना चाहते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट में आना है। आने के बाद देखिए यहाँ पर जो एक्सटेंशन था उसे आपको क्लिक करना है, करने के बाद फ्लिपशॉप आ जाएगा। तो आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन वगैरह दिया गया, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट यह है ऑटो बाई टू रेडमी 6। मतलब यहाँ पर अगर आप 32 GB सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर ब्लैक कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद जल्दी से एक बार रिफ्रेश हो जाएगा आपका पेज। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया, मतलब अगर जब फ्लैश सेल आएगा तब ऑटोमेटिक आपका कार्ड में ऐड हो जाएगा। तो अब अगर आप चाहे तो उस कार्ड में जाकर इसे आप खरीद सकते, मतलब ऑटोमेटिक आपका एक सिलेक्ट हो जाएगा। तो सोचिए आपका जो फ्लैश सेल है दोपहर 12 बजे को स्टार्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, फ्लिप शॉप को आपको करीब 1 या 1.5 घंटे पहले से खोल के छोड़ देना है, क्योंकि जब अगर 10 मिनट आगे या 15 मिनट आगे आप इसे ओपन करेंगे तो आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होने वाला है इस टाइम पे। क्योंकि बहुत सारे लोग पीसी से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पीसी को इस्तेमाल करते हैं इस फ्लैश सेल को, फ्लिपशॉप वगैरह और भी बहुत सारे एक्सटेंशन वगैरह मिलता है। तो इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम आई स्टोर पर अवेलेबल है, तो एम आई स्टोर के लिए आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एम आई स्टोर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट न्यू टैब पे जाकर एम आई स्टोर ओपन करना है, उसके बाद उसे लॉग इन करना है एम आई स्टोर को और एड्रेस वगैरह देकर एकदम ठीक ठाक करना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो आपका काम नहीं कर रहा है। जिस साइट पे आप करेंगे उस साइट को आपको ओपन रहना चाहिए। तो यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं कि जो Redmi 6 Pro है उसे आप Amazon पे भी कर सकते हो। तो हमको फर्स्ट Amazon, मैंने पहले एक बार खोल लिया था तो Amazon पे आ गया। तो Amazon पे आने के बाद ही आपको इसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के देखिए एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। जब फ्लैश सेल का टाइम आएगा तो ऑटोमेटिक आपका कार्ड में एक Redmi 6 Pro ऐड हो जाएगा और जल्दी से आपको वहाँ पर जाके इसको बाय करना है। मतलब ये जो एक्सटेंशन है ना, यहाँ पर बहुत सारा प्रोवाइड आपको देखने को मिलता है, जैसे कि Redmi 6 से मिलता है, Realme 2 मिलता है, Nokia 6.1 Plus, बहुत सारा वर्षन दिया गया है, 664 बहुत सारा वर्षन यहाँ पर आप देख सकते हैं। Amazon भी, MI Store भी है, मतलब जिस जगह पे आपको फ़ोन फ्लैश सेल में देखने को मिलता है सभी ऐप प्रोवाइड करता है। और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जिस साइट पे आप करेंगे जैसे कि फ्लिपकार्ट में करेंगे तो आपका एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर सब कुछ पहले से कर लीजिए, क्योंकि जिस टाइम पे आपका कार्ड पे ऐड हो जाएगा उस टाइम पे आपको चांस नहीं मिलेगा करने पे। तो पहले से ठीक ठाक सब कुछ कर लीजिए, उसके बाद आप इस कार्ड को सिलेक्ट कीजिए तो आपको फ़ायदा होने वाला है इससे। और जो फ्लिपशॉप वाला एक्सटेंशन है यहाँ पर आपको सब देखने को मिलता है। देखिए फ्लैश सेल में जो जो सेल होता है, अमेजोन, एम आई स्टोर बताओ, फ्लिपकार्ट बताओ,
सभी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि टीवी भी आपको देखने को मिलता है। देखिए एमआई एलईडी जो स्मार्ट टीवी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अगर आप क्लिक करेंगे जिस साइट पे हो उस साइट पे जाकर, तो ऑटोमेटिक फ्लैश सेल की टाइम पे वहाँ पर जाकर सिलेक्ट हो जाएगा और उसे जल्दी से आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब मोबाइल फ़ोन पर आपको बैठना नहीं पड़ेगा और क्लिक भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, वो 1.5 घंटा या 1 घंटा पहले से इस साइट को ओपन करना है, क्योंकि अगर आप 10 मिनट पहले ओपन करेंगे, तो मैंने पहले भी एक बार बता दिया था, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से आपका सर्वर स्लो भी कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर इस काम को आप कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सब आपको यही ट्रिक बताना था। ट्रिक पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और लास्ट में आपके पास एक छोटा रिक्वेस्ट, उस लाल बटन को हिट करके साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और मज़ेदार वीडियो पे।